अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अब्दुल वली है और मैं हूँ ऑनलाइन उस्ताद डॉट कॉम की जानिब से। अपनी इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको कीवर्ड रिसर्च टूल्स के बारे में बताऊंगा जो एसईओ के हवाले से हम यूज़ करते हैं। और बेसिकली मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कीवर्ड रिसर्च जो है आजकल काफ़ी इम्पोर्टेंट है एसईओ रैंकिंग के लिए, अपने आर्टिकल्स वगैरह को गूगल में रैंक करने के लिए, क्योंकि अब वो ज़माना नहीं रहा कि आपने बस जैसे आर्टिकल लिख लिया या कोई भी कंटेंट लिख लिया और उसको अपनी वेबसाइट पे एज इट इज़ पब्लिश कर दिया, तो वो दौर अब नहीं रहा। अब आपको प्लानिंग के साथ और काफ़ी तैयारी के साथ जो है एक आर्टिकल को पब्लिश करना होता है, उसको हर लिहाज से देखना होता है, एसईओ के हवाले से भी, ऑन पेज के हवाले से ख़ास तौर पे, क्योंकि फर्स्ट चीज़ जो है वो ऑन पेज होती है। आप अगर करेक्ट तरीके से ऑन पेज एसईओ कर लेते हैं एक आर्टिकल के, तो उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं रैंक होने के गूगल के अंदर। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप हमेशा जब आर्टिकल पब्लिश करें अपनी वेबसाइट पे, आर्टिकल या कोई पोस्ट, तो पहले उसके लिए जो है कीवर्ड रिसर्च करें थोड़ी बहुत, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपका आपके जहन में जो कीवर्ड है, जो उस आर्टिकल का टाइटल है या जो मेन कीवर्ड है आपका, वो कितना सर्च होता है गूगल में, जो डिफरेंट टूल्स है एसईओ के, तो उसकी मदद से आप सजेशन ले सकते हैं कि कौन सा वर्ड लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, लोग जो है कौन सा कीवर्ड ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। मैं भी आपके जहन में जो कीवर्ड हो वो भी ठीक हो, लेकिन ये कि अगर आप सर्च करें थोड़ा बहुत कीवर्ड रिसर्च करें, तो आपको पता चलेगा कि आपके कीवर्ड से कोई दूसरा थोड़ा सा मुख्तलिफ कीवर्ड हो सकता है जो कि लोग ज़्यादा सर्च करते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि लोग क्या सर्च कर रहे होते हैं। तो इस हवाले से जो पहला टूल है वो तो आपको मालूम भी होगा, लेकिन मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, वो गूगल का ही टूल है, गूगल एडवर्ट एक प्लेटफॉर्म है एडवर्टाइजमेंट के हवाले से, उसमें एक टूल है कीवर्ड प्लानर के नाम से। पहले इसका नाम कुछ और था, लेकिन अब जो है कीवर्ड प्लानर कहलाता है ये। ये गूगल एडवर्ड के अंदर है, एडवर्टाइजर्स के लिए है, लेकिन हम भी आम जो पब्लिशर्स है, जो एसईओ के लोग हैं, वो भी इसको फ्री में यूज़ कर सकते हैं। तो आपको सिंपली लिखना होता है गूगल में कीवर्ड प्लानर, और आप एंटर कर देते हैं तो ये लिंक आपके सामने आ जाता है, गूगल एडवर्ड्स कीवर्ड प्लानर। इस पर आप क्लिक करें, आपको जस्ट गूगल का एक अकाउंट चाहिए, नॉर्मल जो जीमेल का आपका अकाउंट है, उसके थ्रू आप गूगल एडवर्ड्स में जो है लॉगिन हो सकते हैं और फिर इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। तो इसको एक्सेस करना जो है फ्री है आपके लिए, आप इसको अपने सिंपल कीवर्ड रिसर्च के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनेट में कुछ इशू है, लेकिन एनीवेज ये यहाँ पे आ गया, मैं लॉगिन हो जाता हूँ अपने ईमेल और पासवर्ड के साथ गूगल के अकाउंट में, और स्ट्रेट जो है मैं इस टूल पे आ जाऊंगा, इस टूल को मैं यूज़ कर सकूंगा। ये पहला टूल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल्स के हवाले से, और यही से आपको रियल डेटा, जो एग्जैक्ट डेटा है, क्योंकि गूगल अपना ये सारा डेटा जो लोग कीवर्ड सर्च करते हैं वो अपने पास कलेक्ट करता है और फिर इस टूल की मदद से आपको शो करता है, ठीक है। तो ये टूल आपके सामने आ जाता है, सिंपल सा टूल है, इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन ये कि आप अगर नॉर्मली अपने काम के लिए यूज़ करते हैं, अपनी वेबसाइट के लिए यूज़ करते हैं, तो उसके लिए आप ये सिंपल जो सबसे टॉप पे ऑप्शन है, सर्च फॉर न्यू कीवर्ड्स यूजिंग अप्रेज वेबसाइट और कैटेगरी, इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए आप अपना सिंपल वर्क कर सकते हैं। तो इसमें आपको सिंपली लिखना होता है एक कीवर्ड, जैसे कि मैं अभी एक आर्टिकल लिख रहा हूँ इसी टॉपिक पर, यानी कीवर्ड रिसर्च टूल्स, ये मेरा कीवर्ड है, और जो कीवर्ड होता है वो तीन वर्ड्स का, मैक्सिमम तीन वर्ड्स का होता है, दो वर्ड्स का भी हो सकता है, एक वर्ड भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम तीन वर्ड्स होते हैं, उससे अगर तीन वर्ड से बढ़ जाए तो वो फिर लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कहलाता है। इसमें और भी ऑप्शन है यहाँ पे, योर लैंडिंग पेज, योर प्रोडक्ट कैटेगरी वगैरह, लेकिन ये एडवर्टाइजर्स के लिए है, आप सिर्फ यहाँ पर कीवर्ड एंटर करें। और दूसरा, मैं आपको ये टूल नहीं बता रहा, क्योंकि ये टूल मैं ऑलरेडी अपने दूसरे वीडियो ट्यूटोरियल्स में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप फाइंड कर सकते हैं ऑनलाइन उस्ताद डॉट कॉम पर, लेकिन अभी मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि कुछ टूल्स हैं, इनको आप 2016 में यूज़ कर सकते हैं, 2016 में कीवर्ड रिसर्च के लिए। बाकी चीज़ें सेम एज इट इज़ रहेंगी, टारगेटिंग वगैरह और डेटा रेंज वगैरह, गेट आइडियाज़ पर आप क्लिक करें, नीचे जो बटन है, तो आपको ये आइडियाज़ दे देंगे, यहाँ पे आके एड ग्रुप आइडियाज़ लिखा हुआ है, तो आप कीवर्ड आइडियाज़ पे क्लिक करें,
तो कीवर्ड आइडियाज़ में एग्जैक्टली जो डेटा आपको चाहिए इस कीवर्ड के हवाले से वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे सबसे टॉप पे इस जो हमने वर्ड लिखा है उसकी एग्जैक्ट जो एवरेज मंथली सर्चेज है यानी एक महीने में कितने सर्चेज होती है इस कीवर्ड के लिए वो आ जाएंगी। फिर कंपटीशन लेवल आ जाएगा, कंपटीशन क्या है वो मीडियम है। और फिर सजेस्टेड बिड जो कि एडवर्टाइजर्स के लिए एक बिड होती है कि इस कीवर्ड पे एडवर्टाइजर जो है कितना बिड सजेस्टेड बिड लगा सकते हैं वो आ जाएगी। फिर उसके बाद नीचे आप आएंगे तो सजेशंस आ जाएंगे आपकी, ये टूल आपको सजेस्ट करेगा कि ये कीवर्ड्स भी सर्च होते हैं और इसकी एवरेज मंथली सर्चेज इतने हैं, कंपटीशन इतना है, सजेस्टेड भी इतना है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे आपको सजेशंस देते हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पे कि कौन सा कीवर्ड्स लोग ज़्यादा सर्च करते हैं, तो उसी उसको आप पिक कर सकते हैं और उसी का एक कम्बिनेशन बना के अपने आर्टिकल को मज़ीद SEO फ्रेंडली कर सकते हैं ताकि वो अच्छी तरीके से रैंक हो। तो ये टूल है, इसको आप यूज़ करें। अगर इसके जितने भी यहाँ पे ऑप्शंस है ये तो दूसरी वीडियोस में जैसे कि मैंने आपको कहा मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो नंबर एक तो ये टूल है, इसमें आपको ये आइडिया सारा मिल जाता है, ठीक है, कि मंथली सर्चेस क्या है, कंपटीशन क्या है। फिर एक और टूल है दूसरे नंबर पे, उस टूल का नाम है बेसिकली वेब, आपने लिखना है वेब टेक्स्ट टूल डॉट कॉम, अपने ब्राउज़र में लिखना है वेब टेक्स्ट टूल डॉट कॉम और एंटर करना है, तो ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी, ठीक है जी। ये बेसिकली एक पेड टूल है लेकिन इसका फ्री वर्जन भी अवेलेबल है और इसका फ्री वर्जन जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा फ्री वर्जन में जो इसका फ्री अकाउंट है उसमें थोड़ा लिमिटेड आपको एक्सेस दी जाती है, मतलब थोड़े कुछ कम ऑप्शंस होते हैं लेकिन आप यूज़ कर सकते हैं इसको। मेरा नेट कुछ इशू कर रहा है, आई डोंट नो कि क्या मसला है नेट में, लेकिन वेबसाइट्स जो है वो प्रॉपरली डिस्प्ले नहीं हो रही। अच्छा अब ये वेबसाइट आ गई है, डिस्प्ले हो गई है। तो इसमें ये टॉप पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है फ्री अकाउंट, और ये टूल जो है ये बहुत ही हेल्पफुल है SEO के हवाले से और ख़ास तौर पे कीवर्ड रिसर्च के हवाले से। तो ये फ्री अकाउंट लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करके जस्ट आपको अपना ईमेल और पासवर्ड देना होता है और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है विद इन अ फ्यू सेकेंड्स। लेकिन मैंने इसमें अकाउंट क्रिएट किया है तो मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, इसमें फ्री अकाउंट इसमें क्रिएट हो जाता है। तो लॉगिन होने के बाद आप इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने आ जाता है, ठीक है। इसमें आप पेजेस भी क्रिएट कर सकते हैं और प्रोजेक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। पेजेस क्रिएट करने से मुराद ये है कि एक पेज आप क्रिएट कर सकते हैं, उसमें पूरा लिख सकते हैं, आर्टिकल लिख सकते हैं आपको, और ये आपको सजेशन देगा कि इस आर्टिकल में कितनी कमी है, इस पेज में कितनी कमी है SEO की, कीवर्ड डेंसिटी के हवाले से कितनी कमी है, आपकी कीवर्ड्स कितनी यूज़ हुए हैं, कितने वर्ड्स होने चाहिए वगैरह वगैरह, SEO स्कोर क्या है इस पेज का वगैरह वगैरह, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन नीचे इसमें एक ऑप्शन है, ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है, कैलकुलेट पेज ऑप्टिमाइजेशन स्कोर। ये देखिए कह रहे कि आप एक पेज का जो है वो स्कोर ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक आर्टिकल यहाँ से अपने ये वेबसाइट है मेरी ऑनलाइन उस्ताद डॉट कॉम, इसे एक आर्टिकल का लिंक मैं कॉपी कर देता हूँ और ये लिंक मैं यहाँ पे दे देता हूँ और यहाँ पे कीवर्ड लिख देता हूँ, जैसे कि PHP ऊप इसका कीवर्ड है, ठीक है, और इस आर्टिकल का ये कीवर्ड है PHP ऊप। मैं कैलकुलेट पे क्लिक करता हूँ तो ये थोड़ी देर में कैलकुलेट करके दे देगा मुझे स्कोर, कि इसका स्कोर है 62 और लिखा हुआ है मेकिंग गुड प्रोग्रेस। तो 50 से ऊपर अगर एक पेज का स्कोर है कीवर्ड पे तो दैट्स मीन कि वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऑप्टिमाइज हुआ है, वो आर्टिकल हुआ है। एनीवेज ये तो कुछ इसमें एडिशनल ऑप्शंस हैं, असल चीज़ इसमें ये है कि यहाँ पे ये जो क्रिएट लिखा हुआ है प्लस का साइन है ऊपर, इस पे आपने क्लिक करना होता है क्रिएट, और इसमें आपको गाइडेंस भी दी गई है कि किस तरह इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। इसमें जस्ट दो ऑप्शंस हैं, एक है आपको लैंग्वेज और कंट्री सेलेक्ट करनी होती है, मिसाल के तौर पे जैसे कि मैं कौन सी कंट्री के लिए आप इस कीवर्ड को रैंक करना चाहते हैं तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये US Google.com सेलेक्ट होता है। और फिर नीचे कीवर्ड एनालिसिस एंड सेलेक्शन, यहाँ पे आपको अपना कीवर्ड देना होता है, तो ये आपको सजेशन देते हैं। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ कि जैसे इसी हवाले से मैं लिखता हूँ अभी कीवर्ड रिसर्च टूल्स। अच्छा ये मुझे मंथली सर्चेज वगैरह नहीं बताएगा, उसके लिए तो मैंने कहा कि आप कीवर्ड प्लानर ही यूज़ करें, लेकिन ये और सजेशन मुझे देगा। और फ्री अकाउंट में ये आपको एक महीने में 10 कीवर्ड्स को सर्च करने की इजाज़त देता है, तो इसको आप थोड़ा सा एहतियात के साथ यूज़ करें, जब ज़रूरत हो इसको यूज़ करें, ठीक है।
तो गिव मी सजेशंस पे क्लिक करें, अपना कीवर्ड लिखे दो वर्ड्स या तीन वर्ड्स, फिर गिव मी सजेशंस पे क्लिक करें, तो ये आपको बता देगा कि इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब है कि मंथली सर्च वॉल्यूम ऑन दिस कीवर्ड, यानी कि कितना सर्च होता है कीवर्ड। तो वो हाई, हाई का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा सर्च होता है, ये कंपटीशन वेरी हार्ड, यानी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इसकी। ओवरऑल वेरी पुअर, यानी ओवरऑल ये कह रहे कि मतलब इस कीवर्ड का जो, इस कीवर्ड की जो परफॉर्मेंस है वो पुअर है, थोड़ी कमज़ोर है। लेकिन नीचे जो है ये आपको कीवर्ड सजेशंस देता है, जो कि असल चीज़ है वो आपको, देखो ये कीवर्ड दे रहा है कि गूगल कीवर्ड रिसर्च टूल, ये कीवर्ड सर्च होता है बहुत, कीवर्ड रिसर्च टूल, SEO, SEO वर्ड लिखना कह रहे कि लाजमी है। तो अब यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिल गया इससे कि SEO वर्ड हमें यूज़ करना चाहिए टाइटल के अंदर, क्योंकि ये लोग कीवर्ड रिसर्च टूल्स के साथ जो SEO भी लिखते हैं। पर ये ईयर वाइज, जैसे कीवर्ड रिसर्च टूल्स 2012, 2013, 2013, ये तो इसका मतलब है कि लोग ईयर भी साथ में लिखते हैं, तो हमें ईयर भी इंक्लूड करना चाहिए। जैसे कि अभी मैं ये लिस्ट बनाऊंगा तो इसके लिए मुझे 2016 यानी 2016 का वो भी ऐड करना चाहिए। तो ये आपको ये सजेशन दे देता है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि वॉल्यूम कितना है, मॉडरेट का मतलब है नॉर्मल, और वेरी लो का मतलब है कम है, कंपटीशन का मतलब है इजी, वेरी इजी, या मॉडरेट, मॉडरेट का मतलब है नॉर्मल, ओवरऑल मॉडरेट मतलब नॉर्मल। सजेशंस, आप इस कीवर्ड पे सजेशन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो सजेशंस तो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ हो चुके हैं। ये देखिए मैंने सजेशंस पे क्लिक किया तो इसने मुझे कहा कि ओवरऑल गुड, गुड स्कोर। अब इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये और बता देगा कि ये गुड है या बैड है या अच्छा है या नहीं है, और ऊपर भी यहाँ पे बता देगा। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें आप इसमें, इसमें भी आप मतलब है कि इससे भी, इस टूल को भी यूज़ कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और इससे भी सजेशंस ले सकते हैं कीवर्ड रिसर्च के हवाले से। फिर इसके बाद एक और टूल है, वो है आपका सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल टूल है। इस टूल को मैं बेसिकली, ये मैं नहीं कहूँगा कि ये कीवर्ड रिसर्च टूल है, लेकिन ये सजेशंस टूल है, कीवर्ड सजेशन टूल्स, कीवर्ड सजेशन टूल आप इसको कह सकते हैं। ये आपको सजेस्ट करता है डिफरेंट वर्ड, यानी जो रिलेटेड वर्ड। आज मेरे इंटरनेट को कुछ हो गया है, आई डोंट नो कि क्या हो गया इसको, लेकिन बहरहाल ये टूल है, इसका नाम है, आप अपने ब्राउज़र में लिखिए www.solv, SWOVLE.com, ये आप लिखे ब्राउज़र में और इंटर करें, तो ये टूल आपके सामने, ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी, जो बेसिकली, जो कि बेसिकली एक कीवर्ड सजेशन टूल है। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं सजेशंस के लिए, जैसे आपको कीवर्ड सजेस्ट करता है, आप अपना कीवर्ड लिखिए और उससे मिलते जुलते जो वर्ड्स होते हैं वो आपको ये सजेस्ट करेगा, ठीक है। ये जो वीडियो ट्यूटोरियल है थोड़ा लेंथी हो जाएगा, क्योंकि ये इंटरनेट ज़रा सा मसला कर गया है। इस वीडियो के दौरान पहले बिल्कुल ठीक था, लेकिन इस वीडियो में इसने ये इशू शुरू कर दिया है कि वेबसाइट्स को नहीं ओपन कर रहा सही तरीके से। तो आपको पता है पाकिस्तान में ये इंटरनेट की इश्यूज हो जाते हैं समटाइम्स, लेकिन बहरहाल इसका मैं ऐसे ही आपको बता देता हूँ, solv.com है, ये ओपन हो गया, ठीक है। इसमें आप अपना कीवर्ड लिखिए इस बॉक्स में, और एक वर्ड का है, दो वर्ड का है, तीन वर्ड का है, और ये सजेशंस आपको देगा गूगल से भी, bing.com से भी, यूट्यूब से भी, विकिपीडिया से भी, ask.com से, जितने भी सर्च इंजन है और जितने भी टॉप प्लेटफॉर्म्स है वहाँ, उन सब के आपको सजेशन देगा कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे लोग इस कीवर्ड से मिलते जुलते कौन से कीवर्ड सर्च करते हैं, तो उससे भी आपको आइडिया हो जाता है। और इस हवाले से जो आखिरी टूल है, चौथा टूल है, वो है keywordtool.io.com, ये .com नहीं है, बेसिकली keywordtool.io, क्योंकि अभी ये इस तरह के भी डोमेन्स आ गए हैं ना, .io, .me, .what, .this, .that, इस तरह के डोमेन्स आ गए हैं। तो keywordtool.io ये भी एक टूल है, इसमें भी आप यहाँ पे अपना कीवर्ड लिखे, यहाँ पे अपना इंजन सेलेक्ट करें, आई मीन google.com.pk या google.com.in, और लैंग्वेज यहाँ से सेलेक्ट करें, तमाम लैंग्वेज इसमें शामिल है, और फिर सर्च पे क्लिक करें, तो ये भी आपको सजेशंस देता है कि वो जो कीवर्ड आपने सर्च किया है उससे मिलते जुलते कीवर्ड्स कौन से हैं। तो बेसिकली आप मेनली जो यूज़ करेंगे वो कीवर्ड प्लानर टूल और ये वेब टेक्स्ट tool.com यूज़ करेंगे, ठीक है। ये बाकी दो तो मैंने जो आपको बताया ये भी इजाफी तौर पे फ्री है, आप यूज़ कर सकते हैं इनका भी, लेकिन कीवर्ड
कीवर्ड रिसर्च लाजमी करें आर्टिकल लिखने से पहले, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि जो आप चीज़ लिख रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं या जो भी लिख रहे हैं, पोस्ट वगैरह कंटेंट आप पोस्ट कर रहे हैं, पब्लिश कर रहे हैं अपनी वेबसाइट में, तो आपको ये पता हो कि यार ये जो मैं कीवर्ड यहाँ पे इसमें ऐड कर रहा हूँ ये कितना पॉपुलर है, या आई मीन लोग इस कीवर्ड को सर्च करते हैं या इससे मिलते जुलते किसी और कीवर्ड को सर्च करते हैं, तो आपको उसका पता चल जाता है। तो आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के नीचे लिख सकते हैं, या आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए वहाँ पे आर्टिकल का लिंक होगा, वो लाजमी विज़िट करें क्योंकि वहाँ पर आपको और भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।